इस प्रकार 13 अंकों की महत्व देखिएगा फिल्म के साथ। आदरणीय शर्मा जी, हमारे बीच में अतिथि के रूप में एटीओ आपका इसी सोमवार की आप मौजूद है। बहुत पारिवारिक व्यक्ति है, विशेष रूप से भैया के साथ उनका बड़ा प्रेम है आदरणीय राजेश पाठक जी के साथ में। मैं उनका इस अवसर पर अपनी पूरी टीम को लेकर आए हुए हैं, अपने पूरी टीम को लेकर यहाँ आए हैं। बहुत शौकीन व्यक्ति है, डांस बहुत अच्छा करते हैं। मैं मध्य प्रदेश कबड्डी संघ की तरफ से और जिला कबड्डी संघ की तरफ से उनका अभिनंदन करता हूँ। एडीओ साहब का डांस भी करेंगे, कल के कार्यक्रम में रंगनायक कार्यक्रम में भी मौका मिला तो कल निश्चित रूप से कल वो डांस भी करेंगे पूरी टीम के साथ आए शर्मा जी। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, आपके तरफ से भी उनका स्वागत करता हूँ। भैया हमारा ऐसा विभाग है, वो तो सबको डांस कराते हैं भैया, उनका डिपार्टमेंट ही ऐसा सबको डांस कराते हैं वो। मैं आपकी बात से सहमत हूँ शर्मा जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। चलो कंटिन्यू। एक जो महत्वपूर्ण जानकारी मुझे लगता है कि आप लोगों को देनी चाहिए, कल सायकाल 5 बजे से सेमीफाइनल और फाइनल मैच प्रारंभ होंगे। कल सायकाल 5 बजे से सेमीफाइनल माफ कीजिएगा, शाम को 5 बजे से नहीं 3 बजे से, 3 बजे से मैच प्रारंभ होंगे सेमीफाइनल के और फाइनल के, और शाम को 6 बजे 7 बजे के आसपास इसका समापन होगा पुरस्कार वितरण से और रात्रि में रंगारंग कार्यक्रम। पहला मैच जो है वो 3 बजे प्रारंभ होगा, पहला सेमीफाइनल मैच 3 बजे से प्रारंभ होगा। पहला सेमीफाइनल मैच कल का 3 बजे से प्रारंभ होगा और दूसरा सेमीफाइनल 4 बजे से प्रारंभ होगा और उसके बाद इस कबड्डी टूर्नामेंट का फाइनल मैच जो है वो 6:30 बजे के आसपास 5:30 बजे फाइनल 5:30 बजे संपन्न होगा। 6:30 बजे तक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम। मिश्रा साहब, संजय भाई की जो है ना बहुत तेज नजर है, वो हर चीज में पूरा कमांड किए हुए हैं। आप जहाँ गांव का जाओगे तुरंत पकड़ लेंगे। आगे भी शर्मा जी क्या है, हम संजय भाई के सहयोगी हैं, लेकिन कहीं कहीं इंसान है संजय भाई से भी गलती हो जाती है और हम उसको सुधार लेते हैं। हालांकि इसमें दो मत नहीं कि हम उनके मैनेजमेंट की तारीफ करते हैं और उनके सहयोग के कारण ही हम इस कार्यक्रम को करवा पाए, लेकिन इंसान है, इंसान से कहीं कहीं गलती हो जाती है, ये इंसान का स्वभाव होता है। और जो कल का कार्यक्रम है वो संजय भाई के सहयोग से हम लोग पूरा कर पाए हैं। अरे भाई बहुत बहुत अच्छे हो, बड़ा जल्दी डिफेंस कर लेते हो, समझ गया, बहुत अच्छा डिफेंस किया आपने। और इसके बाद कल रात्रि में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप सब लोगों के लिए रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप सब लोगों से निवेदन है कि कृपया आप लोग उस कार्यक्रम का आनंद लें, लोट पठा और अपना उपस्थिति देने का कष्ट करें।
नहीं पीछे से नहीं बोलो जो कबड्डी प्रतियोगिता है बहुत ही शानदार था ग्वालियर उड़ीसा का बहुत ही शानदार था मैच और तमाम दर्शक हमारे बीच में है आदरणीय अनुराग खान जी अमर भोसला जी जी गणेश ठाकुर जी जाय दूसरे वीर सबसे पहले तो धन्यवाद के पात्र है वो तमाम लोग जिन्होंने आज बहुत मेहनत के साथ इस कबड्डी का एक सपने को सुझाया था बहुत कल्पना की थी और आज लोग सक्सेस नजर आ रहा है और हमारे बीच में ये सब जो काम किया है बॉलीवुड की वो अदाकारा साथी लगता है कि महासुनी पे जब पहचान होती है और जो इतिहास कबड्डी का सभी जिक्र होता है छोटे छोटे के साथ इसमें नाम है क्या हम कुछ लाल सलाह करते हैं कि मतलब घोसला हम भी ऐसा करते हैं जो तो नहीं दूर होते हैं हमारे बच्चे क्या तरह तरह को मिल सकते हैं बहुत ही शानदार था बहुत ही अच्छा बच्चा हुआ है बहुत ही सफाई का ये फील होता है कि कि बोर्ड से जो सिस्टम है सक्सर है वो भी बहुत काफ़ी एक जो सिस्टम है वो फिजिकल डेवलपमेंट के बहुत ही इसमें बरसात इसमें दिख रही है नंबर को रीड कर रही है जो गेट है ग्वालियर का दिया है
और यहाँ पर भदौरिया भी जो कि स्पिनर है उसके तो बढ़िया से देखिए क्या कमाल का हो रहा है। 10 से 6 का स्कोर हो चुका है, 10 से गालिया 6 है दीवा स्कोर तोड़ रहे हैं ऐसे जरूर करता हूँ। 10 से 6 का स्कोर हो चुका है तो काफी अच्छा है, 10 गालिया 6 दीवा इसको सीधा खेल रहा है, इससे काफी नजर आ रहा है लगातार इसमें स्कोर हो चुका है बोर्ड पर काफी कमाल की एक बात है हमें देखिए हमारे लोकेश शिवान की वो हमारे बीच के रास्ता भी यहाँ पर यहाँ पे देखिए जो दर्शक है आप भी आपको रोक नहीं पा रहे थे बेहतर से जगह पे आपको बेहतर है बताते हुए क्या बारिश का टीम बहुत ही खास बेहतर आ रहा है और एक फिर लेकिन ये क्या है आप उठा रही है आपकी फैसला नहीं होगी ये सब कुछ चलता रहेगा लेकिन अब इसे मैच पर हम बताएं जो डिसिप्लिन है बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस अदा करता है मैच पर और किसी का पता लेना नहीं साहब ने मैंने कहा कि उसे क्या दिया है अपने दोस्त की तरफ से बड़ी व्यवस्था शायद इतनी बड़ी व्यवस्था कहीं पर और ना मिले तो आप तुम्हें इसके हिसाब से जरूर इस बार होता है मैनेजमेंट में जो लोग हैं तो समझ में आते हैं क्या क्या कितना बड़ा मैनेजमेंट होता है वहाँ पर ना और एक बात ही है आप तो कह रहे हैं बढ़िया से बहुत अच्छी है तो तलाश और यहाँ पर कोई गलती नहीं करना चाहिए वही गलती कर रहे हैं गलती कर रहे उसके खामे आए जरूर करना पड़ता है उसके साथ इसको बढ़ता हुआ बढ़िया था सर प्लीज इसको नाइन थर्टी का स्कोर हो चुका है नौ तेरह का स्कोर स्कोर हो चुका है यहाँ पर ग्वालियर भी आ गए हैं पानी की व्यवस्था है यहाँ पर के लिए कोल नंबर तीन पर देवास अकेडमी और आरसीबी भोपाल के मध्य जो क्वार्टर फाइनल मैच खेला जा रहा है इसका मध्यांतर हो चुका है। मध्यांतर तक आरसीबी भोपाल ने 23 रन का टेक किए हैं 23 जबकि देवास अकेडमी ने 10 इस प्रकार 13 अंकों की महत्वपूर्ण बढ़त आरसीबी भोपाल के पक्ष में ऑफिशियल प्लेयर्स एंड ऑर्गेनाइजर कमेटी एंड एसोसिएट कमेटी मैच प्लेयर्स काफी अच्छी बात है जब होती है कि जब खिलाड़ी अपने परिचय दिया होते हैं एक प्रस्ताव जो समिति की जो टाइम ऑफ किया गया है टॉलिया की तरफ से पहला टाइम ऑफ यही की तरफ से दिया गया सेकंड ऑफ में सीधे स्कोर पे बोर्ड पे बाजी पे धीरे धीरे
और एक अच्छा संदेश है बाहर अच्छे निकली जो महिला का अधिकार होता है कबड्डी को भाई बखूबी ढंग से सजाया जाएगा भाई फसल के साथ नाम दिया जाएगा लेकिन प्रमुख टूर्नामेंट का महिलाओं का शायद इतिहास के बार हम देख रहे हैं आज मेरा के शायद त्यौहार में कभी महिलाओं का कबड्डी मैच तो नहीं देगा बार क्या उपलब्धि मान सकते हैं एक हफ्ते से विभिन्न पिछड़ते हुए दिल्ली का है इसको दे दो ना इसको दे दो ना सर इसको दे दो बेहतरीन थोड़ा पीछे थोड़ी सवा है ना 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 सवा है में जिला कबड्डी प्रतियोगिता 2023 आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती है और काफी प्यारा सा इस जगह को मैच आप देखते हैं जब जिले होता है भोपाल वर्सेस छोटे गांव की टीम खेल रही है जब सात कारी होते हैं जब दुआ करना पड़ता है तब अच्छे ग्वालियर के टीम काफी सूझबूझ से खड़ी हुई लगातार आज के मैच भी चल रहे दूसरी ओर की कबड्डी की प्रतियोगिता इस जगह पर चल रही है चारों ओर सबके मोबाइल खुले हैं आज के लगातार देख रहे हैं इनके माध्यम से कई जो बड़ी घटना थी यहाँ पर उतारी गई है हमेशा ही कामयाब हो चुकी है कौन की और एक रीड जो है आप देख सकते किस तरह से चल रहा है बाकी ओर से अच्छे भाई और यहाँ पर काफी अंतिम समय तक कोशिश करी थी लेकिन तारीख बेहतरी होगी ग्वालियर की टीम की राहुल चौधरी हो रहा है चल रहा है और
जिन टीमों ने अपने प्रमाण पत्र नहीं लिया है कृपया प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें। पाशु और सबसे पहले बहुत ही जो सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर लोकल जो लोग है दर्शक है वो काफी लगातार है ज्यादा हो रही है और सबसे पहले इंडिया के स्कूल की तरफ देखें तो पानी आ चुका है उधर के तो ये अब यहाँ पर पार दिखाया जा रहा है लेकिन हालांकि यहाँ के लिए जो है यहाँ पे पानी नहीं पहुंचा है बहुत सारे कहीं नहीं सपोर्ट कर रहा है सारा सुनने का महिला प्रतियोगिता का बहुत ही शानदार सा आगाज और यहाँ पर फिर कामयाब चौदह बाईस अभी यही ये दिख रहा होगा कि ग्वालियर की लगातार उनको मुझे लगता है कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चौथा भविष्य स्कोर हो चुका है बीबी बीटीसा जो है यहाँ पर देख रहा होगा कुछ करना पड़ेगा यहाँ पर मैच में टूर्नामेंट में प्रतिभा देना पड़ेगा तो एक बार फिर कोशिश अच्छी थी और खातेगांव जो है वहां की टीम है वो कई सौ जी ने हमें बताया है कि वो खातेगांव जो अपने खतरा भी प्रदेश करता है मेरी जानकारी सामने उभर के आती है किसी को घर मिला हिस्से पर तो किसी को दुकान आई मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से पे माँ आई ये कहीं ना कहीं मात्र शक्ति जो कुछ रहते हैं हमारे बीच में भी उनका हाँ। यही चीज है भारत को एक मजबूत भारत बनाने के काफी हमेशा सशक्त करती है मेहनत सशक्त करने की बात है आज जो समय था आज एक से बैठ के एक बैठ के एक से बैठ के एक प्रस्ताव की जगह पर देखने को मिल रही है और एक बार फिर बीसा में एक अंदर अर्जित करने पर कामयाब है स्कोर बढ़ता हुआ और एक बार फिर एक अंदर अनुकूल रास्ता ही टाइम जो है हमें जो है
क्योंकि जितना लंबा पर खेल रही है और रजनीत सिंह की लगातार आवाज है इसको दर्शाता है और दिख रहे होगा टीम में चरण चलता हुआ यहाँ पर ने अब अच्छे मुकाबले पे क्या कर पाएंगे लेकिन खाली हाथ रख लौटी दी प्लेयर से जरूरी के लिए सब बर्फ के नीचे खाली हाथ क्यों देखो फिर करते हैं फिर कामयाबी हो गई ये एक अच्छी बात थी कोच जो है उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी आई है गीता के पास अभी यहाँ पर लास्ट पॉइंट सेट पॉइंट वायर के लिए एक पॉइंट से फाइव ग्रेड का जो स्कोर है मतलब चौथाई गेम पर ये देखना होगा हेलो अभी यहाँ पर दिन के नाम ले जा रहे हैं अपने पार्टी की पुस्तक थर्ड फिगर ले जा रहे हैं मंडला जिला छिंदवाड़ा कॉर्पोरेशन नर्मदा अकेडमी नर्मदापुरम कॉर्पोरेशन इंदौर कॉर्पोरेशन ए बी दोनों ग्वालियर जिला इंदौर कॉर्पोरेशन सतना कॉर्पोरेशन आप भी और देवास देवास अकेडमी अपने साइड पर ले लिए साइड पर सब लोग ले यहाँ से अंतिम पांच मिनट का मैच है वो बाकी रह चुका है यहाँ पर देखेंगे यार इस पांच मिनट में क्या खेल खत्म हो सकता है और एक बात तो है ये टीम में अभी भी स्कोर बोर्ड पर आगे चलते हुई और ये टीम में ये होगा कि इसकी मेहनत अंतिम कोशिश यही होगी ज्यादा ज्यादा अधिक जोर के हेल्प टीम को ज्यादा और मैच की बहुत ही ज्यादा सही लगभग चार मिनट बचे हुए हैं कुछ ही मिनटों का खेल बाकी है उसके बाद ये देखना होगा लेकिन स्कोर बोर्ड पर वाली आगे चल रही है हालांकि यहाँ पर जैसा देखना होगा कि क्या कर पाती है अभी साफ है खिलाड़ी खेल रहे हैं मैदान पर अगर एक वो बोनस लेकर आती है तो मानी कहीं 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 एक बार उसे देख पाएंगे बिल्कुल जिसकी बहुत देर से ट्रैकर शो बात और आठ बड्डे हैं वो भी उसके बाद लगभग ढाई लाख रुपए का इनाम है लगभग तीन दो मिनट का जो खेल है वो बाकी मुझे लग रहा है आदरणीय शर्मा थी हमारे दिन पर भैया
और आईपीएल में पानी गिर चुका है अभी, तो ये मैच जो है आईपीएल का लोग यहीं पर आएंगे। देख लेते हैं हर मोबाइल अकेले में चला होते हुए आनंदी गणेश ठाकुर जी गाइड उसे जी वो भी इसका स्वागत करते हैं हमेशा, इनका मार्गदर्शन का जो है हमेशा मिलता है। जो मिठाई है वो तो इतनी स्वादिष्ट मिठाई खिलाई जाती है, हमें लग रहा है कि कोई एक खिलेगा दो ना लेंगे, और ये क्या है यही मोहब्बत है इस ग्राउंड का। युवा से भी आते हैं जो मिठाई खिला रहे शायद, और चौबीस अंकों से जीत कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया, उन्हें बधाई।